तो आज मैं गूगल पे माइनक्राफ्ट स्कैरी मिथ से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस और आर्टिकल पढ़ रहा था, जहाँ पर प्लेयर ने दावा किया उनके साथ कुछ माइनक्राफ्ट में ऐसी स्कैरी चीजें हुई है जो कि आज तक कभी माइनक्राफ्ट के किसी प्लेयर के साथ हुई नहीं है। और इसी तरह मैं रेडिट पे स्क्रॉल करते करते मुझे एक ऐसा आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था व्हाई इज माइनक्राफ्ट एक्चुअली स्कैरी। और इंटरनेट पे घूमते घूमते मुझे माइनक्राफ्ट की कुछ ऐसी स्कैरी वीडियोस मिली है जिनको आज मैं माइनक्राफ्ट में टेस्ट करने वाला हूँ और प्रूफ करने वाला हूँ कि ये सच है या झूठ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, तो ये वीडियो मेरे को इंटरनेट से मिली है, चलो देखते हैं। ओके, ये बंदा विलेज के अंदर है, चलो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, बस वर्ल्ड में नाइट हो रही है एंड विलेज भी काफ़ी नॉर्मल दिख रहा है एंड वहाँ पे एक आयरन गोलम है और पता नहीं वो विलेजर का घर डिस्ट्रॉय था। वैसे अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। ओके, ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा है। वेट, मैंने कुछ देखा क्या पहाड़ के ऊपर? नो, मैंने पहाड़ पर कुछ तो देखा था बना हुआ, आई गेस। वेट, क्रॉस, वो भी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, ये काफी ज्यादा स्कैरी बात होती है। और वेट, नो वे, वहां पे एक एंटिटी है, आपने ढंग से नहीं देखा, एक बार वो देखो, वो एक एंटिटी है। व्हाट, उसके भाई चेस्ट पे क्रॉस बना, व्हाट, एकदम से उसके सामने आ गया। नो 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 नो, नहीं भाई, पहाड़ से कूद गया, नो, मर गया। व्हाट, ये सीट काफी ज्यादा स्कैरी थी, चलो इसको मैं ट्राई करता हूँ उस वर्ल्ड को। ओके, तो मैं इस वर्ल्ड में आ गया हूँ, चलो अब देखते हैं। वर्ल्ड तो मेरे को बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है और मैं फर्स्ट टाइम विलेज। वेट, ये लालटेन मुझे जमीन पे क्यों मिल रहे हैं? व्हाट, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है, चलो छोड़ो। वेट, ये मैं विलेज के अंदर स्पॉन हुआ हूँ, वैसे तो विलेज बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, मेरे को कोई भी ऐसी अजीब चीज तो देखने को नहीं दिख रही, बस इस घर को छोड़ के। आई गेस ये लावा से जला है क्योंकि इसके पीछे लावा है। अभी तक तो मेरे को वर्ल्ड बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है और ये एक नॉर्मल सा विलेज है एंड आई गेस मेरे को यहाँ पे कोई भी अजीब चीज देखने को तो नहीं दिख रही, वहाँ पर एक गोलम है एंड सब कुछ नॉर्मल ही है। वेट, एक सेकेंड, क्या मैंने कुछ देखा था क्या इधर? आई डोंट नो, आई गेस आयरन गोलम को देखा था। चलो मैं उस जगह पे चलता हूँ जहाँ फर्स्ट टाइम उस बंदे ने अपना घर बनाया था। ओके, तो यहीं पे उस प्लेयर ने अपने घर बनाया था, ये रहा, इसी वर्ल्ड में इसी जगह पर उसने घर बनाया था और इसी जगह पर उसने एंटिटी देखा था। घर बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी अजीब चीज नहीं है इस घर के अंदर। वैसे चलते हैं एक बार घर के अंदर, वैसे वो इसकी शीप्स होंगी, और चलो फटाफट अंदर चलते हैं एक बार घर के एंड चलो फटाफट चलते हैं। एंड घर तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, चेस्ट में क्या है? और चेस्ट में उसी के सामान पड़े हैं फालतू के, चलो घर बिल्कुल नॉर्मल है ऑलमोस्ट। वैसे वहाँ पे एक क्रॉस है जो कि मैंने उसकी वीडियो में फर्स्ट टाइम देखा था एक वर्ल्ड के अंदर, चलो ये काफी ज्यादा स्कैरी बात थी। वैसे वेट, नो वे, ये क्रॉस है, वो भी काफी बड़ा, फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा क्रॉस देखा किसी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। नो वे, ये माइनक्राफ्ट का कोई जनरेटेड नहीं है बल्कि ये बहुत ज्यादा स्कैरी सीड है भाई। रुको रुको, ये देखो भाई कितना बड़ा क्रॉस है। ओ वेट, अपने आप रात हो गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक सेकेंड, नो वे, ये अपने आप रात कैसे हो रही है? आई थिंक काफी अजीब है। लो, अपने आप दिन भी हो गई, बट काफी ज्यादा स्कैरी बात है वैसे ये। तो चलो इस वर्ल्ड में मैं काफी दिन तक वेट करता हूँ एंड देखते हैं कि हमें क्या वो एंटिटी मिलेगा जो कि उस बंदे को दिखा था एंड देखते हैं हमें कब तक दिखने वाला है। वैसे मेरे को पता है कि इसी वर्ल्ड के अंदर वो है, चलो वेट करते हैं उस एंटिटी का। तो काफी दिनों तक मैं इस वर्ल्ड के अंदर AFK रहा पर मुझे वो एंटिटी नहीं दिखा जो कि उस माइनक्राफ्ट प्लेयर को दिखता है। भाई साहब, वेट में काफी दिनों तक रह गया लेकिन अभी तक मेरे को वो एंटिटी नहीं दिखा, आई गेस मेरे को और थोड़ा टाइम चाहिए। तो काफी रातों तक मैंने इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे ही घूमा और मुझे अभी तक कोई भी स्कैरी चीज नहीं दिखी जो कि इस वर्ल्ड को काफी ज्यादा स्कैरी बनाती है एंड मैं काफी सारे मोब से भी फाइट किया बट मेरे को वो स्कैरी एंटिटी नहीं दिखा। उसके साथ मैंने माइनक्राफ्ट में कई सारे रिचुअल करे उस एंटिटी को समन करने की बट मेरे जितने भी एक्सपेरिमेंट थे और रिचुअल वो सारे फेल हो गए। अब मुझे लग रहा था इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता और वो वीडियो फेक है, पर मेरे पास अभी तक वर्ल्ड के अंदर कोई घर नहीं है और मेरा घर बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, फटाफट एक फाइवर से बंदे को हायर कर लेता हूँ जो कि मेरे लिए घर बनाएगा। तो सिंपल, मेरे को गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पर मेरे को सर्च करना है फाइवर। तो हमारी फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस पे हमें बस क्लिक कर देना है
जैसे आप फाइबर पर साइन अप करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और यहीं पर आप काफी सारे बंदों को हायर करके फाइबर पे बहुत सारी चीजें बना सकते हो। लाइक मैं माइनक्राफ्ट सर्च करता हूँ तो मेरे को माइनक्राफ्ट पे 5000 सर्विस अवेलेबल है, मतलब समझ रहे हो, मैं माइनक्राफ्ट में कुछ भी बनवा सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे को चाहिए एक माइनक्राफ्ट में बिल्डर जो कि मेरे लिए घर बनाएगा, तो सिंपली मेरे को माइनक्राफ्ट बिल्डर सर्च कर लेना है। एंड ये देखो गाइस कितने सारे माइनक्राफ्ट बिल्डर है जिनको हम थोड़ा सा अमाउंट पेड कर अपने लिए घर बनवा सकते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। वैसे मैं फटाफट एक बिल्डर को ढूंढ लेता हूँ। ओके, तो मेरे को ये बिल्डर काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका प्राइस काफी अच्छा है। चलो इसको मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ। इस बंदे को 5-स्टार रेटिंग मिली है और इसका प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो इससे मैं एक घर बनवा लेता हूँ फटाफट। सिंपली मेरे को बस यहाँ पर ऑर्डर करना है घर, एंड थोड़ी देर बात करने के बाद फाइनली इसने मेरे लिए एक मेंशन बना दिया जो कि मेरे को चाहिए था। अब चलो इसको फटाफट अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में लगा के देखते हैं। ऑलराइट, क्या घर है यार, क्या मस्त घर बनाया है इस बंदे ने भाई, पूरा मेंशन है तो। ओके, काफी मस्त लग रहा है देखने में। चलो फटाफट चलते हैं अंदर, यहाँ से गेट है। ओके, फटाफट चलते हैं अंदर। अंदर से भी घर काफी बड़ा है। ऑलराइट, तो ये देखो हमारा घर कितना बड़ा है वैसे। एंड चलो इस साइड चल के देखते हैं, काफी मजा आ रहा है इस घर को एक्सप्लोर करने में। वेट अ सेकंड, कितना बड़ा घर है। एक सेकंड, मैंने कुछ देखा क्या यहाँ पे? वेट, मुझे कुछ दिखा था, आई डोंट नो। वैसे घर काफी बड़ा है पर गाइस अभी तक मेरे को वो एंटिटी नहीं मिला जिसको मैं ढूंढने के लिए इस वर्ल्ड में आया था। अब एक ही काम है, मुझे सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा उस एरिया पे। चलो फटाफट यहाँ पर लगा देते हैं सीसीटीवी कैमरा। एक मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, यहाँ कहीं लगाते हैं, काम करते हैं यहाँ पे। एक लगाते हैं सीसीटीवी कैमरा, एक यहाँ पर लगाते हैं, एक को यहाँ कहीं लगा देते हैं, और एक घर के अंदर, और एक यहाँ पर, और सबको कनेक्ट कर देते हैं इस कैमरा से। ऑलराइट, तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब इस घर के सामने कोई भी हलचल होगी तो मैं अपने सीसीटीवी कैमरा से सब पर निगरानी रख सकता हूँ, उस एंटिटी को बहुत आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। जैसे कि ये रहा मेरा लास्ट एक कैमरा जिसके अंदर मैं खुद को देख पा रहा हूँ। देख रहे हो, कैमरे सारे वर्क कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं कि हमें एंटिटी कब तक दिखेगा इस सीसीटीवी कैमरा से। चलो मैं अब घर के अंदर आराम से बैठकर इस सीसीटीवी कैमरा से देखने की कोशिश करूंगा कि वो एंटिटी कभी ना कभी तो हमें देखने को मिलेगा। आई होप जल्दी दिख जाए। ऑलराइट, कुछ तो हलचल हुई है। वेट, नो वे, वहां पे एक लाइटनिंग गिरी है। नो वे, वहां पे एक एंटिटी है। रुको रुको, सेम टू सेम वही एंटिटी है जो कि मैंने उस वीडियो में देखा था। नो वे, वेट, ये शीप को मार रहा पता नहीं क्यों। और देखो उसकी भाई चेस्ट पर एक क्रॉस साइन बना पड़ा है जो कि हमने शुरुआत में देखा था। नो वे, कैमरे की तरफ ना देख ले बस। व्हाट, वो टेलीपोर्ट और उड़ भी सकता है। ओ वेट, उसकी चेस्ट मतलब उसकी पीठ पर एक फूड है, आई डोंट नो कैसे। अब क्या करेगा इस घर के अंदर? नो वे, क्या कर रहा है ये? वो लाइटनिंग गिर रहा है इस घर के ऊपर पता नहीं क्यों। What? वो और भी ज्यादा लाइटनिंग गिर रहा है ये। नो वे, इस घर के अंदर आग लगना स्टार्ट हो गई है। रुको, घर में आग लगना स्टार्ट हो गई। रुको, नहीं, घर में, वेट, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। नो, मेरे को जाना पड़ेगा उस एरिया पर, मेरे को जाना पड़ेगा उसके घर के पास। वेट, ये रहा उसका घर। नो वे, उसका घर जल गया और वो एंटिटी कहाँ गया भाई? वो गायब हो गया एंटिटी यहाँ से। ओ नो, मैं उसको पकड़ सकता था भाई। नो वेट, एंटिटी, व्हाट, सामने मेरे एंटिटी है, ये कैसे पॉसिबल है? आज मुझे सेन किसलिए कॉल कर रहा है, चलो ज्वाइन करके देखते हैं। हेलो हेलो भाई, आज किसलिए याद किया तूने मेरे को? अरे भाई, एक चीज चाहिए थी भाई मेरे को तेरे से। अरे तेरे को हमेशा मेरे से कुछ ना कुछ काम रहता है, बता क्या काम है? मेरे को अगर एक स्पूकी हाउस बना के देना। स्पूकी हाउस, वो किस लिए बे? हाँ भाई, एक क्रीपी हाउस। अरे तेरे को उसका क्या करना है, बट मेरे को बना के देना, बस इतना चीज कर दे मेरे लिए। अच्छा, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं इतनी मेहनत करूंगा तो भाई, दोस्त के लिए तो ये भी नहीं कर सकता है भाई। ठीक है भाई, ठीक है। अरे 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 मजाक कर रहा हूँ भाई। उसके बदले मैंने एक बहुत रिसर्च करके ना एक सीड ढूंढी है। ठीक है, कैसी सीड? स्कैरी है क्या वो? हाँ, बहुत स्कैरी सीड है। अरे भाई, मैं तो तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बता कैसा स्पूकी हाउस चाहिए हमें? एकदम मतलब ऐसे बड़ा सा कैसल टाइप और थोड़ा डरावना एकदम। ठीक है, अच्छा
दो दिन में बना के दे, नहीं मैं बहुत जल्दी बना के देता हूँ, दो घंटे में बना के देता हूँ, रुक जा तेरे को देता हूँ मैं सिर्फ। ठीक है चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक है। तो फटाफट मैं फाइबर पे आ गया। अब यहाँ पर मेरे को दोबारा से सर्च करना है माइनक्राफ्ट बिल्डर। अब ढूंढते हैं कोई बढ़िया सा बिल्डर जो कि स्पूकी हाउस बना दे मेरे लिए काफी अच्छा। वैसे तो सारे बढ़िया लग रहे हैं, मुझे ये ज्यादा पसंद आया है बिकॉज इसने लिख रखा है आई विल बिल्ड स्पॉन हब और मैप ऑफ योर माइनक्राफ्ट सर्वर, और इसको रेटिंग भी बढ़िया मिली है। इसने पास्ट में भी काफी अच्छा वर्क कर रखा है और इसका प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो इसको हायर कर लेते हैं फटाफट। तुम लोग भी फाइबर से किसी को भी हायर कर सकते हो, लिंक की डिस्क्रिप्शन जाके हायर कर लो। और उसके साथ साथ अगर तुम मेरा प्रोमो कोड अल्फा 12 यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड थैंक यू फाइबर आज की वीडियो स्पॉन्सर करने के लिए। ओके फाइनली इसने मेरा ऑर्डर कम्प्लीट कर दिया, और ये देख सकते हो कितना ज्यादा स्कैरी स्पूकी हाउस बना दिया है, काफी बढ़िया लग रहा है वैसे ये देखने में। सेयन रेडी अपना घर देखने को? तो ये देख तेरा स्पूकी हाउस। ओ भाई क्या बना है भाई, खतरनाक एकदम, है ना खतरनाक भाई एकदम बढ़िया। रुक जा क्लोज से देखते हैं, क्लोज व्यू लेते हैं। आजा हाँ एकदम खतरनाक हॉन्टेड भाई, जैसा स्पूकी चाहिए था मेरे को। ये देख ले भाई अंदर से भी देख ले पूरा घर क्या मस्त है यार, यहाँ पे तू बैठ के आराम से भूतों के साथ खाना खा सकता है। ओ अच्छा अच्छा, और ये देख यहाँ पर धोने हाथ धोने वाला सिस्टम है यहाँ पर हाथ। अच्छा हाँ मेरे को कुछ और लगा। ओके सही है। वैसे सेन तेरे को कितना रेटिंग देगा इस हाउस को? भाई 10 में से 10। 10 में से 10, चल ठीक है बढ़िया बात है। वैसे अब जो तूने सीड बोली थी देने को वो फटाफट मेरे को दे दे सीड। हाँ क्या क्या सीड? अबे तेरे को सीड नहीं देनी थी मेरे को। ओ अच्छा वो सीड। हाँ अच्छा, सीड दे स्केरी वाला सीड ना। हाँ हाँ वही 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 वही। ठीक है ठीक है। अबे कहाँ जा रहा है, सीट तो देते हुए जा। ब्लड स्टीम, ये माइनक्राफ्ट का एक ऐसा एंटिटी है, अगर ये किसी भी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में होता है उस वर्ल्ड में एक भी मोब स्पॉन नहीं होता। लिटरली ये हर मोब को मार देता है जो भी इसके सामने होता है। ये इतना ज्यादा स्कैरी है, ये जिस विलेज में जाता है उस विलेज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। लिटरली इसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि ये किसी को भी वन हिट में मार सकता है। फर्स्ट टाइम माइनक्राफ्ट के एक प्लेयर ने इसको समन किया तो अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक रिचुअल करके, जब से वो सीड से गया ही नहीं है। जिस सीड में इसको फर्स्ट टाइम समन किया था वो सीड है minecraft.exe। वैसे क्रिपी पास्ता ने भी इसके बारे में कई सारी चीजें बता रखी है जो कि आप क्रिपी पास्ता की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। वैसे इस सीड को ट्राई करने को बिल्कुल मना कर रखा है, बट हम ट्राई करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस सीड के अंदर अभी भी ब्लड स्ट्रीम है कि नहीं। चलो एक बार देखते हैं सीड को ट्राई करके। अबे इस नोबड़े का फिर दोबारा कॉल आ गया, चलो ज्वाइन करते हैं। अब तूने मेरे को दोबारा कॉल किया, बता क्या काम है? वो मेरे को ना एक स्टैचू बना के चाहिए। अबे नूबड़े तू मेरे से क्या क्या बनवा रहा है, देखो किस लिए चाहिए स्टैचू? अब करना यार ये एक काम कर देना। अच्छा तो स्टैचू कैसा तेरा? हाँ दे दे भाई बना के दे। चल इसके बदले मेरे को क्या देगा? भाई मेरे पे कुछ है नहीं यार, मैं ठेरा गरीब इंसान भाई। बट चलो ये 2 किलो भिंडी दे देता हूँ तेरे को। ओके मैं फिर दोबारा फाइबर पे आ गया हूँ, तो फटाफट दोबारा से एक बिल्डर को हायर कर लेते हैं। ओके तो मैं कोई अच्छा सा बिल्डर को ढूंढता हूँ जो कि मेरे लिए स्टैचू बना सके। ये सारे तो बढ़िया ही हैं, मुझे ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है बिकॉज इसने पास्ट में भी काफी अच्छे बिल्ड बना रखे हैं और इसको रेटिंग भी काफी अच्छी मिली हुई है। चलो इसको देख लेते हैं एक बार, इसके बिल्ड तो काफी अच्छे हैं, इसको हायर कर लेते हैं फटाफट। तो चलो फाइनली मैंने अपनी स्किन बेच दी है और भाई इसने बहुत ही जल्दी मेरा स्टैचू बना के दे दिया है। चलो अब इसको लगा के देखते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर कैसा दिखता है। स्टैचू को हम बाद में देखेंगे, बट अभी जो माइनक्राफ्ट की सीड है वो इतनी ज्यादा स्कैरी है जिसको देख कर लिटरली मैं डर गया था। ओके फटाफट एक वर्ल्ड बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ ब्लडी स्टीव। चीट्स हमारे ऑफ ही रहेंगे और सीड में हमें डालना है minecraft.exe। वैसे सीट को ट्राई करने से बिल्कुल मना कर रखा है, बट मैं आपके लिए रिस्क ले रहा हूँ सीट को ट्राई करने के लिए। चलो वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। ऑलराइट मैं वर्ल्ड के अंदर आ गया है, एंड वर्ल्ड के अंदर आते ही नाइट हो रही है। वैसे तो आम बात है आजकल मेरे लिए वर्ल्ड के अंदर। वेट अ सेकेंड, वर्ल्ड के अंदर आते ही काफी अजीब चीज हो रही है। अभी देखो जैसे कि इस विलेज को देखो, और वेट यहाँ पर रेडस्टोन क्या कर रहे हैं भाई टॉर्च की जगह? व्हाट, हर जगह रेडस्टोन है ये देखो हर जगह। और इन विलेजरों के घर को क्या हो गया, ये काफी ज्यादा अजीब है। वाओ भाई एक सेकंड, सारे विलेजरों के घर काफी ज्यादा, व्हाट ब्लड, वेट अ सेकंड ब्लड कहाँ से आया? आई डोंट नो, एक सेकंड मैं विलेजर के घर के अंदर जा रहा हूँ, सारे विलेजरों के घर टूटे हुए हैं पता नहीं क्यों। भाई ये काफी ज्यादा अजीब सीड है यार ये वाली सीड। नहीं
आई डोंट नो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे वेट एक सेकेंड मैंने ब्लॉक व्हाट वेट अ सेकेंड ब्लॉक टूट रहे मेरे आंखों के सामने ये कहाँ से आ रही है आवाज भाई एक मिनट व्हाट एक सेकेंड मैंने वहाँ कुछ तो देखा आई डोंट नो वहाँ पे क्या था लेकिन मैंने कुछ देखा भाई ये सीट काफ़ी ज़्यादा स्कैरी होते जा रही है पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है इस सीट के अंदर भाई ये देखो मैं यहाँ के कोई से भी ब्लॉक को तोड़ ही नहीं पा रहा देखो यहाँ के विलेज के भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है यहाँ के ब्लॉक नहीं तोड़ पा रहा मैं और वहीं मैं थोड़ा दूर चला जाऊँ इस विलेज से लाइक यहाँ पर और यहाँ के ब्लॉक तोड़ने की कोशिश करूँ तो क्या होगा एक सेकेंड मैं यहाँ के ब्लॉक तोड़ पा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा स्कैरी चीज़ हो रही है एक मिनट आई डोंट नो भाई क्या वेट एक मिनट ये रेड स्टोन पहाड़ों पर जा रहे हैं पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है यार एक सेकेंड इसको फॉलो करते हैं इस पहाड़ के ऊपर वैसे है क्या एक मिनट कहीं वहाँ पर ब्लड स्ट्रीप तो नहीं है चलो वहाँ पे एक बार चल के देखते वेट व्हाट वहाँ पे एक एंटिटी है एक सेकेंड वो स्टीव जैसा दिख रहा है एक सेकेंड वहाँ पे चलते फटाफट रुको रुको पहले तो छुप छुप के जाते हैं व्हाट वहाँ से गायब हो गया वो नो वे यहीं पे खड़ा था वो पता नहीं कहाँ चला गया आई डोंट नो भाई वाह यहीं पे तो था वो एंटिटी ओ किसी ने हिट किया मेरे को व्हाट अभी किसी ने मेरे को हिट किया पता नहीं कौन था भाई चलो चलो यहाँ से पहले दूर निकलो भाई मेरे को पूरा यकीन है यहाँ पे किसी ने मेरे को हिट किया वेट वो सामने क्या है एक मिनट वो सामने क्या है आई डोंट नो ये कुछ अजीब है एक मिनट चलते हैं यहाँ पे व्हाट क्या है वैसे ओके ओ गाइस ये तो ग्रेवयार्ड है काफी अजीब बात है नो एंटिटी ब्लड स्टीप वेट यहीं था कहाँ गया नो भाई मेरे को काफी अजीब लग रहा है अभी इस जगह वेट भाई मैं बाहर निकलता हूँ एक मिनट यहाँ से व्हाट मैं बाहर नहीं जा पा रहा क्या ये वेट देखो मैं बाहर नहीं जा पा रहा क्यों मैं बाहर क्यों नहीं जा अबे ये मेरे को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है पता नहीं क्यों व्हाट ये काफी अजीब बात है यार क्या हो रहा है मेरे साथ वैसे एक ग्रेवयार्ड है तो यहाँ पे किसी ना किसी को दफनाया होगा तो किसी ना किसी की कबर खोद के हम देख लेते हैं वैसे चलो इसको ट्राई करते हैं इसके नीचे कौन दफन है वेट विलेजर नो वे यहाँ पे विलेजर दफन है व्हाट ये काफी वेट विलेजर ने अपना हेड हिलाया ये जिंदा है क्या एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा ढंग से इसको ये जिंदा है आई गेस अब वो मुझे नहीं पता वेट ये क्या है नहीं और फाइनली सेन का स्टैचू बना दिया गया है और देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये स्टैचू सेन का और इसके साथ मेरा भी स्टैचू बन गया है ये देखो है ना कितना बढ़िया स्टैचू पर मेरा स्टैचू इतना काला क्यों है